स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम लोग प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथिन और बॉटल्स वगैरह ये सब काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाजार से सब्जी लानी हो या तो फिर दूध लाना हो या इत्यादि जो भी काम होते हैं उन सब के लिए आजकल प्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, उसके तो लाभ बहुत सारे हैं, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके हानियाँ भी बहुत सारी हैं जिससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हमें उस सबसे बचना है। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसी के बारे में बात करने के लिए कि किस तरह से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं उसकी प्लास्टिक की हानियों से। ठीक है, तो जैसे कि अगर इधर उधर प्लास्टिक्स पड़ी रहती हैं तो उनसे क्या होता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं तो वो लोग घूमते रहते हैं और उन्हें तो ये पता नहीं होता है कि उन्हें ये चीज़ खानी है या नहीं खानी है, वो तो खाना समझकर और फिर उसको खा जाते हैं, उससे वो लोग उन लोगों की डेथ भी हो सकती है। और जैसे आप लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह पन्नियाँ वगैरह इकट्ठी करके उसको जला देते हैं एक साइड करके, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि अगर हम पॉलीथीन को इकट्ठा करके जलाते हैं तो उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो उससे हमें बचना है और उन सारी जितनी भी पन्नियाँ हैं उन सबको इकट्ठा कर एक डस्टबिन में डालना है। ठीक है, इन सबको डस्टबिन में डालना है, फिर हम उसको रिसाइकल करेंगे, वो अच्छा रहेगा। और जैसे कि बहुत सारी बॉटल्स हैं हम लोग पानी पीकर ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पर, उनको हमें फेंकना नहीं है और जहाँ पर भी पड़ी हो जितनी भी बॉटल सारी इकट्ठी कर दी हमें और उसको एक डस्टबिन में डालना है, या तो फिर हम उसे वापस इस्तेमाल में भी ले सकते हैं फेंकने की वजह है ना, उसको डस्टबिन में डालना है ताकि वो सब रिसाइकल के लिए जा सके। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोगों को जितनी भी पन्नियाँ वगैरह हैं ये सब जलाना नहीं है कभी भी, क्योंकि जलाने से वायु प्रदूषण हो सकता है, उन सबको इकट्ठा करना है एक डस्टबिन में और फिर वो सब हम रिसाइकल के लिए भेजेंगे। हाँ, तो ये सब। और जैसे बॉटल्स और ड्रेनेज, मतलब कि जैसे आपने देखा है कि बरसात के मौसम में क्या होता है, नालियाँ वगैरह जो भी होते हैं जितने भी उसमें पन्नियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और फिर गंदगी फैलती है, तो उनको इकट्ठा नहीं होने देना है, उनको साफ रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इकट्ठा होगा वहाँ पर पन्नी वगैरह तो उतने ज़्यादा मच्छर होंगे और मक्खियाँ होंगी जिनसे हम सबकी मलेरिया डेंगू ऐसी बीमारियाँ फैल सकती हैं जो कि हम सबकी हेल्थ को मतलब अफेक्ट करेंगी। इसलिए हम लोगों को जितनी भी पन्नियाँ इकट्ठी होती हैं उन सबको भी अलग रखना है सारी चीज़ों से, सबके लिए अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए, अब सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स का इस्तेमाल करना है, पेपर इस्तेमाल करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें डस्टबिन रखने हैं ताकि हम जितनी भी पन्नियाँ हैं वगैरह हैं सारी उनमें डाल सकें। ठीक है।